हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज सिग्निफिकेंट फिगर्स का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल्स फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, और इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी आज सॉल्व करेंगे। सो गाइस, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। आपको दिया हुआ है एक बॉल जिसे एक स्ट्रिंग के थ्रू सीलिंग से लटका दिया गया है। बॉल का जो रेडियस है दैट इज़ 2.53 सेंटीमीटर एंड ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 75.4 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ दिस बॉल फ्रॉम द सीलिंग। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट टोटल दिस लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉल टू सीलिंग। सो अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और आपका आंसर अगर आ रहा है 77.93 सेंटीमीटर, सो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के अकॉर्डिंगली गलत है। गलत कैसे, उसे समझते हैं। सो ये जो रेडियस ऑफ द बॉल जो मेजर्ड है, देखिए टोटल लेंथ हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा रेडियस और ये हो जाएगी लेंथ, तो दोनों को जोड़ना ही है हमको। सो रेडियस जो है वो अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल मेजर्ड है। दैट मीन्स ये डेफिनेटली वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया होगा और ये फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक एक्यूरेट है। सो दिस मस्ट हैव बीन मेजर्ड बाई एमएम स्केल। सो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल हमको अननोन है और उसको एक नोन क्वांटिटी से नहीं जोड़ सकते। सो अगर मैं इसे लिखूँ एक नए तरीके से, सो लेंथ को लिखा जा सकता है 75.4 एंड जो सेकंड प्लेस है उसे मैं अननोन या क्वेश्चन मार्क से दिखा देता हूँ। सो जो टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी थी L प्लस R, उसे लिखा जा सकता है 75.4 एंड क्वेश्चन मार्क प्लस जो रेडियस है विच इज़ 2.53, सो दीज आर इन सेंटीमीटर्स। सो दोनों को अगर जोड़ेंगे सो 3 प्लस क्वेश्चन मार्क, अगेन आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, मतलब अननोन क्वांटिटी मिलेगी। 3 को अननोन क्वांटिटी से जोड़ रहे हैं सो दिस इज़ ऑल्सो अननोन। 5 + 4 ये हो जाएगा 9, 5 + 2 दिस इज 7 एंड देन अगेन 7। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा 77.9 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी करेक्ट आंसर। सो इसमें करना क्या है उसे हम समझते हैं। हमें क्या करना है कि जो मोर एक्यूरेट क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे ये रेडियस था वो मोर एक्यूरेट था, लेंथ जो है वो लेस एक्यूरेट है। सो जो लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी है हमारे पास, सभी क्वांटिटीज़ को उस लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी के इक्विवेलेंट बनाना है। सो दैट हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी अप टू दैट प्लेस ऑफ डेसिमल जो हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी में है एंड देन उसको जोड़ना है। सो अगर इन रूल्स को हम लोग समराइज करें तो हमारे पास दो स्टेप्स आएंगे। जो पहला स्टेप आएगा वो आएगा राउंडिंग ऑफ का, मतलब हमको राउंड ऑफ करना है सभी क्वांटिटीज़ को टू द डेसिमल प्लेस ऑफ लीस्ट एक्यूरेट क्वांटिटी। और जो सेकंड स्टेप है उसमें हमको क्या करना है, हमको सिंपली एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर अपनाना है इन द नॉर्मल मैनर। इन रूल्स को समझने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का। सो यहाँ पे एडिशन का जो एग्जांपल लिया है उसमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक की एक्यूरेसी अप टू फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल है और दूसरे की अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये हमारा लेस एक्यूरेट डेटा हो गया और ये जो मोर एक्यूरेट डेटा है उसको भी कन्वर्ट करना है लेस एक्यूरेट डेटा में। सो ये हो जाएगा, देखिए डेसिमल के बाद दो डिजिट है 2 और 3, तो उसको एक में अगर हम लोग राउंड ऑफ करें सो 3 को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 से छोटा है। सो ये हो जाएगा 20.2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2, 7 एंड 3, 4 एंड अगेन 4। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन वाले में अगर हम लोग देखें सो इसमें भी ये वाला डेटा जो है वो मोर एक्यूरेट है क्योंकि अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल है। सो इससे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे अप टू फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, सो ये 1, 8 है, दैट विल बिकम 2 क्योंकि ये 2 के ज़्यादा क्लोज है। सो इसे लिखा जा सकता है 35.2 और इसे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 2 - 2 यहाँ पे हो जाएगा 0, दिस विल बी 1, 5 एंड दिस विल बी 4। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं एंड वी विल ट्राई टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स विच आर 2.11 एंड 1.2।
सो देखिए 2.11 जो है वो अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल करेक्टली नोन है, थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल इसमें पता नहीं है. सिमिलरली 1.2 जो है वो अप टू फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल करेक्टली नोन है, उसके बाद का हमको नहीं मालूम. सो अगर इसे मैं इस तरह से लिखूँ कि जो थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल है इन केस ऑफ 2.11 वो अननोन है, एंड सिमिलरली जो सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल है इन 1.2 वो भी अननोन है, तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है. और इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, सो यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी है और उसे मैं इन चारों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो चार अननोन क्वांटिटीज़ मिलेंगी मुझे. सिमिलरली अब आगे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ टू से अगर मल्टीप्लाई करूँ सो टू से अननोन का मल्टीप्लीकेशन मुझे मिलेगा एक अननोन क्वांटिटी, उसके बाद ये आ जाएगा टू टू एंड फोर. फिर इसको वन से मल्टीप्लाई करना है, वन से ये अननोन क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो आएगा अननोन क्वांटिटी, एंड देन अगेन सिंपली वन वन एंड टू. तो इन सभी को अगर जोड़ दें तो ये चारों जगह पे तो अननोन क्वांटिटीज़ जुड़ी रही हैं, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक हमको सिर्फ अननोन क्वांटिटीज़ मिलेंगी. यहाँ से पहली नोन क्वांटिटी मिलेगी, सो 4 + 1 दैट इज़ 5 एंड हियर इट इज़ 2. सो ये हो जाएगा 2.5. तो आप देख सकते हैं 2.5 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस मल्टीप्लीकेशन के लिए. सो इसमें ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर थे और यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे. सो आंसर हर बार इस तरह से आएगा कि जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ हैं, इनपुट वैल्यूज़ में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी है, और जो सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला जो डिजिट रहेगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में भी आएंगे. तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें तीन था, इसमें दो था, सो दो जो है वो लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है एज़ कम्पेयर टू बोथ द नंबर्स. सो हमारे आंसर में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए. ये रूल हर समय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में फॉलो होने वाला है. सो इसे मैं अगर वर्ड्स में लिखूँ तो ये आ जाएगा, आंसर विल कम इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आउट ऑफ द टू नंबर्स. ये हमेशा होने वाला है. और इसके लिए हम लोग अगर स्टेप्स फॉलो करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप ये रहेगा कि हमको नॉर्मल मैनर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, और उसके बाद जो नंबर आएगा उसे राउंड ऑफ कर देना है अप टू द वीकेस्ट लिंक, मतलब नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो इन्हीं रूल्स को और एम्फसाइज करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है दो नंबर 312.65 एंड 26.4. सो आप देख सकते हैं कि पहले वाले में 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जबकि दूसरी डिजिट में सिर्फ 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं. सो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है इन नॉर्मल मैनर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो आंसर आएगा 8,253.960. अब देखिए इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए वो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी हो चुके हैं 7, जबकि रूल के हिसाब से ये होना चाहिए कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए आउट ऑफ द टू नंबर्स. सो इसमें तीन था, इसमें पाँच था, तो इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए. सो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. और देखिए ये है 8,253 point something. सो अगर इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 8,250. क्यों, क्योंकि ये जो 3 एंड अबो है ये राउंड ऑफ होके इधर 50 बन जाएगा, और इसमें सिर्फ 8, 2 and 5 यही तीन डिजिट्स सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. और इस तरह से 8,250 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है. आपको पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब फाइंड करना है और आपको साइड दिया हुआ है 1.2 × 10⁻²⁰ मीटर. सो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इज गिवन बाय साइड टू द पावर 3. सो ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻²⁰ मीटर एंड इसका क्यूब. इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 1.728 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब. लेकिन जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सिर्फ हैं 2. सो आपके आंसर में भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. तो जैसा आप देख सकते हैं 1.728, सो ये 2 और 8 इनको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और ये 7 जो है वो 7 ही रह जाएगा. सो ये हो जाएगा 1.7
इंटू 10^-6 मीटर क्यूब, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने दो तरह के रूल देखे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए अलग और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए अलग। सो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में पहले क्या करना पड़ता है कि पहले आपको राउंडिंग ऑफ करनी है अप टू द लीस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल, और उसके बाद आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है। जबकि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में पहले आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है और उसके बाद आपको राउंडिंग ऑफ करनी होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो दोनों ही जगह पे राउंडिंग ऑफ की बात आती है, तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स हैं। सो राउंडिंग ऑफ में तीन तरह की सिचुएशन आएंगी, लास्ट डिजिट या तो 5 से छोटा होगा, या 5 से बड़ा होगा, या 5 के बराबर होगा। तो तीनों रूल्स को एक एक करके देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा है तो उससे ड्रॉप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 47.833, तो इसके बाद जो डिजिट आ रहे हैं अगर इसको मुझे 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, सो 8 के बाद जो डिजिट आ रही है जैसे 3, तो 3 क्या है, ये 5 से छोटा है, दैट मीन्स 47.833 जो है वो 47.8 के ज़्यादा करीब है, ना कि 47.9 के। तो ऐसे केस में ये अगर फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ होगा तो आंसर आएगा 47.8। इसी तरह से दूसरा रूल देखते हैं, अगर रिमूवेबल डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है या 50% से ज़्यादा है, सो वैसे केसेस में क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 47.862 और इसे भी 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक अगर राउंड ऑफ करना है, तो आप देख सकते हैं 8 के बाद है 6 जो कि 5 से बड़ा है, और हमको अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल राउंड ऑफ करना है, तो आप देख सकते हैं कि 0.86 ये 0.9 के करीब हो जाएगा, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो 8 है वो 1 से बढ़ जाएगा और आंसर हो जाएगा 47.9। तीसरा केस देखते हैं कि अगर रिमूवेबल डिजिट जो है एग्जैक्टली 5 है, तो ऐसे केस में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी और उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो इसमें दो केसेस होंगे, एक जो लास्ट नंबर है वो इवन है क्या, अगर वो इवन होगा तो आपको 5 को छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल 20.65, अब इसे अगर हमको फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करना था, सो ये जो 6 है ये इवन है, इस केस में इस 5 को एलिमिनेट कर देना है और आंसर हो जाएगा 20.6। दूसरा केस जो होगा कि लास्ट नंबर जो है अगर ऑड है, फॉर एग्जांपल 20.75, सो इस केस में अगर हमको फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, सो ये जो नंबर है ये ऑड है, इस केस में लास्ट डिजिट को 1 से बढ़ा देना है और ये हो जाएगा 20.8। इस रूल को याद रखने के लिए एक सिंपल तरीका है कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा इन दिस टाइप ऑफ केसेस, उसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, इवन रहेगा, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सो गाइज, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरर एनालिसिस की। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो कैसा लगा ये थम्स अप या थम्स डाउन देकर जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा देन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई भी डाउट या सजेशन रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।